हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript। आप लोग देख सकते हो हमने एक नया बार क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास शॉपिंग कार्ट लोगो है, देन हमारे पास कुछ नए आइटम्स है होम, शॉप, ट्रेंड्स एंड ब्लॉग, और इन सभी पर हमने फंक्शनलिटी अप्लाई की है। देन हमारे पास एक एड टू कार्ट का आइकन है, आप लोग देख सकते हो। देन हमने मेन पेज क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और हमने एक PNG इमेज का यूज किया है। जैसे हम इस शॉप सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो शॉप नाउ सेक्शन हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर हमने कार्ड्स क्रिएट किए हैं, आप लोग देख सकते हो। देन इसके ऊपर हमने एक स्मूथ होवर इफेक्ट लगाया है, आप लोग देख सकते हो बहुत ही स्मूथ तरीके से हमारे पास आ रहा है ये शॉप बेस्ट एट शॉपिंग कार्ड, और ये सभी हमने कार्ड्स पर अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हो। देन इस कार्ड पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको उसकी कंप्लीट डिटेल दिख रही होगी। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास देखिए इस पर्टिकुलर कार्ड की यहाँ पर हमारे पास डिटेल आ चुकी है, जिसमें देखिए आप यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ चुकी है। देन आप यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, देन क्वांटिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, देन हमारे पास एक एड टू कार्ड का बटन है। देन आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर एक क्लोज का बटन भी है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, और ये फंक्शनलिटी हमने सभी कार्ड्स पर अप्लाई की है। तो देखिए, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कार्ड्स की हमें बेसिकली डिटेल मिल रही है और इसको आप डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, और ये हमने सभी पर अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हो सभी कार्ड्स पर हमने ये फंक्शनलिटी अप्लाई की है। देन हमारे पास है ट्रेंड्स, बेसिकली आप लोग देख सकते हो, तो जैसे हम इस ट्रेंड्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक हमने स्मूथ स्लाइडर क्रिएट किया है और थोड़ा हमने इसको अलग डिजाइन क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। तो स्मूथ तरीके से हमारे पास जो ट्रेंडिंग क्लॉथ्स है उनका हमने यहाँ पर एक स्मूथ स्लाइडर क्रिएट किया है। देन हमारे पास है ब्लॉग सेक्शन, तो यहाँ से आप ब्लॉग रीड कर सकते हो, और आप लोग देख सकते हो इन सभी बटन पर, रीड मोर बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हो ब्लॉग। तो देखिए, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ से हम वेबसाइट पर रेंडर हो चुके हैं और यहाँ से आप कंप्लीट ब्लॉग पढ़ सकते हो फैशन के बारे में। तो ये फंक्शनलिटी हमने सभी कार्ड्स के ऊपर अप्लाई की है, तो अगर आप यहाँ पर इस बटन पे या इस बटन पर क्लिक करते हो तब भी आप रेंडर होंगे। देन हमने एक सिंपल फुटर क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। देन जैसे हम होम पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट रिफ्रेश होगी और हम होम पेज पर आ चुके हैं। देन यार, हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है, तो हम इसे इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसी हमने इसकी साइज छोटी की तो उसके हिसाब से, साइज के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। देखिए, अब हमारे पास नए आइटम्स भी जा रहे हैं, जब हम साइज छोटी कर रहे हैं तो नए आइटम्स भी यहाँ से हट रहे हैं। देन यह होता है हमारे पास मोबाइल व्यू, मीन्स हमारी वेबसाइट मोबाइल में किस तरीके से दिखने वाली है। तो देखिए, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि आप मोबाइल में आपकी वेबसाइट किस तरीके से दिखने वाली है। तो ये होता है, देखिए, मोबाइल स्मॉल डिवाइस, ये है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, आपकी जो वेबसाइट है हमारी मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, आप लोग देख सकते हो। और ये हमारे पास कार्ड्स है इसके, और ये फंक्शनलिटी जो हमने इसके ऊपर अप्लाई की थी कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर भी हमें कंप्लीट इसकी डिटेल मिल रही है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमें इसकी कंप्लीट डिटेल मिल रही है और ये भी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। हम इस कार्ड पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये भी हमें कम्प्लीटली इसकी डिटेल मिल रही है, और ये जो हमारी फंक्शनलिटी है यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है मोबाइल के अंदर और कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। देन आप देख सकते हो कि जो हमने स्मूथ स्लाइडर बनाया था ऑटोमेटिक, ये भी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है मोबाइल के अंदर। देन हमारे पास है रीड ब्लॉग के कार्ड्स, जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। देन हमने लास्ट में एक फूटर क्रिएट किया है। तो आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार विजिट करें, क्योंकि यार हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो चलिए, हम चलते हैं VS Code पर, और हम आ चुके हैं HTML फाइल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट की यहाँ पर HTML देंगे, तो एक व्यू ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी कंटेनर। देन इस कंटेनर के अंदर हमारे पास एक नया टैग होगा, क्योंकि हमें एक नया बार क्रिएट करना है, और इसके अंदर हम एक सबसे पहले एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी लोगो। इस लोगो के अंदर H1 में हम लिखेंगे शॉपिंग कार्ट लिखेंगे। देन इस ड्यू से बाहर आ जाएंगे और एक UL लेंगे, UL के अंदर LI, और LI के अंदर A, एंकर टैग होगा हमारे पास।
इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे होम, लिखेंगे शॉप, यहाँ लिखेंगे हम होम शॉप, देन हमारे पास ट्रेंड्स ब्लॉग है, ट्रेंड्स देन ब्लॉग, इस तरीके से हमने यहाँ पर न्यू आइटम्स लिख दिए। देन यहाँ पर हम एक आइकन का यूज करेंगे, एड टू कार्ट आइकन का, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं अभी, इसको हम क्लोज कर देंगे। देन यहाँ पर आ जाए हमारे पास कार्ट लिख देंगे, तो हमारे पास कार्ट का आइकन आ जाएगा, देखिए। और अगर यार आप लोगों को नहीं पता है कि आइकन को किस तरीके से यूज करना है फॉन्ट आइकन को, तो हमने एक कम्प्लीट वीडियो बनाई है जिसके ऊपर आपको किस तरीके से उसको यूज करना है, तो आप वो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ये हमने आइकन रख दिया और ये हमारा नया की जो HTML थी कंप्लीट हो चुकी है। देन हम यहाँ पर एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन, और इसके अंदर हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन टेक्स्ट, ओके मेन टेक्स्ट। इसके अंदर टेक्स्ट होगा H1 होगा और P टैग होगा जिसमें हम लॉरम लिखने वाले एक डमी टेक्स्ट को। देन हमारे पास एक बटन होगा जिसमें हम लिख देंगे एक्सप्लोर इस तरीके से, और यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे फाइंड बेस्ट एट शॉपिंग कार्ट, और यहाँ पर हम BR टैग लगा देंगे, ब्रेक टैग लगा देंगे बेसिकली, ताकि लाइन ब्रेक हो सके, ओके। और इसे भी हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर भी हम BR टैग लगा देंगे, बेसिकली इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन से दिखेगी। देन इस ड्यू से बाहर आ जाएगी और एक इमेज टैग लेंगे जिसमें हम यहाँ पर लिखेंगे main.png, ये हमारी आप लोग देख सकते हो इमेज का नेम है। देन इस मेन ड्यू से बाहर आ जाएगी और एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी हम ID दे देंगे शॉप, ओके। और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, इस हेड के अंदर हमारे पास एक H1 होगा, और इस H1 में हम वो लिखने वाले जो आपको हेडिंग दिख रही है, जैसे आपने शॉप पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर दिखेगा शॉप नाउ इस तरीके से, शॉप नाउ इस तरीके से। देन एक ड्यू ले लेंगे और इसकी क्लास होगी शॉप, अपन ने ऊपर ID दी है शॉप, ये क्लास है, और इसके अंदर एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी शॉप कार्ड, शॉप कार्ड। इसके अंदर हमारे पास इमेज टैग होंगे और पी टैग्स होंगे, इसमें हम लिखाऊंगा कि बेस्ट एट शॉपिंग कार्ट, बेस्ट एट शॉपिंग कार्ट इस तरीके से, दो चीज़ें। और इस शॉप कार्ड को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे 7 8 टाइम हमें, तो इसको हम डिलीट कर दो। इस तरीके से हमने 6 टाइम इसको पेस्ट कर दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पर इमेजेस एंटर करने वाले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिकली शॉप जो हमारा सोर्स है बेसिकली, तो वो लिख देंगे हम, और इमेजेस हमारे पास यहाँ पर स्टोर है, तो देखिए हम यहाँ पर दे देंगे td1.pepp इस तरीके से, और हमारे पास ये इमेजेस हमें चाहिए शॉप वाली, ओके। तो इसे हम देख लेते हैं हमने किस नेम से स्टोर किया यहाँ पर, तो हमारे पास है TS ट्रेंड और ओके। तो हमारे पास दो तरीके से हमने स्टोर किए, TS ये आ चुकी है, देन यहाँ लिखते हैं TS2, TS3, देन TS4, TS5, देन TS6 इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेजेस को स्टोर कर लिया है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। देन हमें इस ड्यू से बाहर आ जाना है और एक ड्यू लेंगे जिसकी हम यहाँ पर क्लास दे देंगे बेसिकली ट्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हमें ट्रेंड सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें हमें एक स्लाइडर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम इसकी आईडी दे देंगे ट्रेंड, और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, और इसमें लिखेंगे हम H1 के अंदर
ट्रेंड्स, ट्रेंड्स इस तरीके से एड शॉपिंग कार्ट आप लिख सकते हो, ट्रेंड्स एड शॉपिंग कार्ट, ठीक है। देन इंटरव्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी अब ट्रेंड, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक व्यू होगा जिसकी क्लास होगी ट्रेंड कार्ड। ट्रेंड कार्ड के अंदर हमारे पास इमेज टैग होगा और इसे अपन कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, और इस पूरे ड्यू को हम कॉपी कर लेंगे 3 times करके हमने पेस्ट कर दिया। और आपको जितने मतलब न्यू स्लाइडर दिखाने हैं आप इस ड्यू को उतनी बार रख सकते हो, उसके अंदर आप उतनी ज़्यादा इमेज रखेंगे तो आपको स्लाइड होते दिखता ही रहेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको दे दें यहाँ पे ट्रेंड्स, देन हम दे देंगे ट्रेंड 2, देन ट्रेंड 3, इस तरीके से हम यहाँ पर इमेज के सोर्स में 5 लिख रहे हैं, ट्रेंड्स 5, देन हम यहाँ लिखेंगे ट्रेंड 6, यहाँ आ जाएगा ट्रेंड 7, ट्रेंड 8, ट्रेंड 9, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेजेस रिस्टोर कर दिए। देन इस ड्यू से बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसके हम आईडी दे देंगे ब्लॉग, तो हम ये ब्लॉग सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और एक ड्यू ले रहे हैं जिसकी क्लास है हेड, ठीक है। देन इस हेड के अंदर हम H1 में लिखेंगे रीड ब्लॉग्स, यहाँ लिखेंगे हम रीड ब्लॉग इस तरीके से ब्लॉग्स। देन इसके नीचे आ जाएंगे हम और एक और ड्यू क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास होगी ब्लॉग, और हमारे पास यहाँ पर एक व्यू होगा जो हम ब्लॉग कार्ड, इसके अंदर इमेज, एक हमारे पास इमेज टैग और एक बी टैग होगा और एक एंकर टैग, ओके दिस एंकर टैग होगा। और इस एंकर टैग में हम यहाँ लिखेंगे रीड मोर और यहाँ पर लिखेंगे बेस्ट एंड शॉपिंग, बेस्ट एट शॉपिंग, ओके। और हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक लिंक देना है, जैसे हम इस क्लिक करेंगे इस बटन पे तो हम इस लिंक पर रेंडर होंगे, तो इस HIF के अंदर हमें लिंक देना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देना है आपको फैशन ब्लॉग इस तरीके से, देन इस पर क्लिक करेंगे हम इस वेबसाइट पर और इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। देन इस ड्यू को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे हम 3 times क्योंकि हमें 3 cards चाहिए, और इसके सोर्स में हम लिख देंगे यहाँ पर बेसिकली blog1.webp और blog2 और blog3, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेजेस भी इंटर कर दिए। देन अब हम लास्ट में एक फूटर क्रिएट करेंगे, तो एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी फूटर और एक ड्यू होगा जिसके अंदर लिखा होगा टेक्स्ट क्लास और H2 लेंगे और इसके नीचे हम पी टैग्स लेंगे, ओके कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारा टेक्स्ट ड्यू है इसको हम कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर H2 के अंदर हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे लाइक अबाउट अस इस तरीके से, और आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है अबाउट अस। फिर हमारे पास ये लॉरे विप्सन है, उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ AR टैग लगा देंगे ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है इस तरीके से। और इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा जो टेक्स्ट है कॉपी करके पेस्ट करने वाले, तो इस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरा टेक्स्ट एंटर कर दिया और इसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे ताकि हमें बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास अभी हमें सिर्फ HTML दिख रही है और काफ़ी टेक्स्ट इमेजेस बहुत यहाँ पर हमें इसको अलाइन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे डिज़ाइन दे देते हैं, तो हम CSS पर जाएंगे और हमने यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली रोबोटो को ऐड किया है और बॉडी का बैकग्राउंड थोड़ा सा हमने ग्रे करके रखा है कुछ इस तरीके से, और मार्जिन पैडिंग 0 दिया है
तो हम सबसे पहले नयाओ को टारगेट करेंगे और दे देंगे डिस्प्ले, यहाँ पर फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड दे देंगे। देन जो हमारे पास नयाओ है इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा नयाओ का वाइट होगा और कलर ब्लैक होगा। और ये जो पोजीशन है इसकी, पोजीशन हम नयाओ बार की फिक्स्ड दे रहे हैं ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो ये फिक्स्ड रहे। और टॉप से दे देंगे हम 0%, विड्थ दे देंगे 100% और हाइट दे देंगे 70 पिक्सल। ओके, और यहाँ पर हम डिस्प्ले फ्लैग के साथ अलाइन आइटम सेंटर भी कर देंगे। अलाइन आइटम सेंटर से क्या होगा कि ये वर्टिकली भी सेंटर में होगा, ठीक है। फिर हमारे पास नयाओ के अंदर क्या क्या है, नयाओ के अंदर हमारे पास यूएल टैग है तो हम उसे भी डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। फिर हमारे पास यूएल के अंदर एल आई है उसे हम दे देंगे लिस्ट स्टाइल नन। ओके, और एल आई के अंदर हमारे पास एंकर टैग है उसे दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो बेसिकली जो बॉर्डर होती है बॉटम में वो भी नन हो जाएगी। देन हमारे पास इसके अंदर हम दे देंगे इसे फॉन्ट साइज दे देंगे हम इसे 21 पिक्सल और हम इसे कलर दे देंगे ब्लैक। ओके, और मार्जिन इनलाइन दे देंगे, मींस मार्जिन हो इनके बीच में 22 पिक्सल की, ठीक है। सेव करेंगे और आउटपुट पर देखेंगे, देखिए हमें कुछ इस तरीके से हमारा नया बार रेडी है। देन हमारे पास जो लोगो है ना, लोगो को भी देना है हमें, तो हमारे पास लोगो है, लोगो का फॉन्ट साइज दे देंगे 22 पिक्सल। और हमारे पास नयाओ में आई है ना, जो हमारे पास आइकन है तो उसे हम दे देंगे फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। और जो नयाओ में जो आइकन है उस पर जब अपन करें होवर, तो होवर करने पर, सॉरी इस तरीके से होवर करने पर क्या हो जाए, कलर भाई पिंक हो जाए और कर्सर पॉइंटर, तो इसको हम डार्क पिंक कर देंगे कुछ इस तरीके से, सेव कर लेंगे। और देखिए शॉपिंग कार्ट का साइज और हमारे पास ये देखिए आ चुका है। और ये जो हमारे पास एंकर टैग है इन पर भी हम ओवर इफेक्ट लगा देंगे कि लाइन में जो ए है इस पर जब अपन करें भाई ओवर तो कलर हो जाए पिंक, और इसे भी अपन डार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। देन अब हमें मेन पेज को सीएसएस देना है, तो जो हमारे पास मेन है उसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि वो एक लाइन में आ जाए, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड ताकि उसको लेफ्ट से और मिडिल से और राइट से भी स्पेस मिले, अराउंड बोल रहे हैं, ठीक है। और इसे हम दे देंगे मार्जिन टॉप से दे देंगे हम कुछ 111 पिक्सल, सेव कर लेते हैं आउटपुट पर देखिए। और ये जो अंदर हमारे पास इमेज मेन के अंदर जो इमेज है उसकी जो विड्थ होगी वो दे देंगे हम, विड्थ दे देंगे हम 300 पिक्सल, क्योंकि अभी जो इमेज की साइज है बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, देखिए हमारे पास आ चुका है। और हमने बहुत ज़्यादा छोटी दे दी, 700 इज़ फाइन। ओके, देन हमारे पास मेन के अंदर H1 है जिसकी हम फॉन्ट साइज दे देंगे 66 पिक्सल। देन हमारे पास मेन के अंदर P टैग है जिसे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। देन हमारे पास मेन के अंदर बटन है जिसकी विड्थ दे देंगे हम उसको 140 पिक्सल और हाइट दे देंगे हम 43 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम पिंक, और इस पिंक कलर को हम कर देंगे डार्क और कलर दे देंगे वाइट, और फॉन्ट साइज दे देंगे 22 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 22 पिक्सल का। ओके, बॉर्डर नन दे देंगे बटन को, देखते हैं आउटपुट पर, देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है। और मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा मेन टेक्स्ट है हमने एक क्लास भी दी थी मेन टेक्स्ट, तो मेन टेक्स्ट है उसको
इसको हम ले लेंगे मार्जिन टॉप से 33 पिक्सल, देख लेते हैं 33 पिक्सल, 53 देते हैं तो 53 इज फाइन, ओके 53 ठीक है। और जो हमारा मेन है, जो हमारे पास मेन है उसका जो कलर है बैकग्राउंड वो भी डिफरेंट है, तो इसका जो कलर आ जाएगा वो आ जाएगा चॉकलेट, और हम कर देंगे चॉकलेट को कुछ इस तरीके से डार्क, देखिए कुछ इस तरीके से। और जो हमारा H1 उसका कलर हो जाएगा वाइट कुछ इस तरीके से। तो ये पार्ट हमारा क्रिएट हो चुका है और हमने इस पार्ट को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और मेन को हम यहाँ पर थोड़ी पैडिंग भी दे देंगे 12 पिक्सल कुछ इस तरीके से, ठीक है आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास अब हमें ये शॉप नाउ सेक्शन क्रिएट करना है, तो हमारे पास क्लास से शॉप जिसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। देन हमारे पास शॉप कार्ड है जिसकी विड्थ दे देंगे हम 300 पिक्सल और इसकी विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर 300 पिक्सल और हाइट दे देंगे 400 पिक्सल, ओके। और जो बैकग्राउंड कलर होगा उसका वो दे देंगे ग्रे, ठीक है ग्रे। और ट्रे को हम इस तरीके से कर लेंगे थोड़ा डार्क। और यहाँ पर हमारे पास शॉप के अंदर इमेज है तो उस इमेज को हम विड्थ दे देंगे 100%, है ना, और हाइट दे देंगे उसको 70%, मतलब उसको हाइट 30% कम मिले। और पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पर उसको 20 पिक्सल, सेव कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो साइज़ के हिसाब से ये रैप कर देता है। और यहाँ पर हमें मार्जिन इन लाइन देना है, मीन्स कि उनके अंदर गैप होगा 22 पिक्सल का दूसरे कार्ड से, आप लोग देख सकते हो। और मार्जिन टॉप भी दे देंगे हम 22 पिक्सल कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आ चुके हैं कार्ड्स और हम यहाँ पर 400 तो नहीं बट 460 दे देते हैं, और 460 और जो इमेज है वो इमेज की जो हाइट होगी वो 80% दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ चुके हैं ये कार्ड्स। देन अब हमें क्या करना है कि इन्हें सेंटर में ला देना है, तो हमारे पास है कार्ड जिसे हम दे देंगे सेंटर में, जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए, कलर वाइट हो जाए इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं कि यार जो शॉप कार्ड के अंदर जो की है, ठीक है, वो क्या हो, उसका हमने दे दिया है कलर तो दे दिया है, जब उस पर हम होवर करें तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए उसके अंदर, देखो इस तरीके से हमारे पास बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है। और पहले हम ये चाहते हैं कि शॉप कार्ड के अंदर जो की है वो मार्जिन टॉप से आ जाए थोड़ा 22 पिक्सल नीचे इस तरीके से, ठीक है। और या फिर हम इसकी हाइट थोड़ी छोटी कर देते हैं, और आई थिंक मुझे इसको हाइट 88 कर दूँ बेस्ट रहेगा, ठीक है इस तरीके से। और जैसे ही हम इस पर होवर करें तो हमारे पास इसकी पैडिंग आ जाए 33 पिक्सल पैडिंग आ जाए इस तरीके से। और ये हमारे पास मार्जिन टॉप से मतलब माइनस 44 पिक्सल मतलब ऊपर जाइए, और यहाँ पर हम लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल, तो इससे स्मूथ तरीके से ऊपर जाएगा 1S ईजी, सेव करते हैं, देखिए इस तरीके से ऊपर जा रही है स्मूथ तरीके से। और इसे हमें देना है पोजीशन दे देंगे एब्सोल्यूट,
टाइप क्या होती है, इसके ऊपर देखे हमें, देखिए इस तरीके से दिख रहा है हमें, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। और इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ दे देंगे हम कुछ 300 पिक्सल। देखिए 300 पिक्सल से हमें कम देनी होगी, वो दे देंगे हम 200 पिक्सल। तो 230, तो 240 इज फाइन आई थिंक। देखिए 240 सही है। और ये हमें डिस्प्ले फ्लैक्स तो है ही है, जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे ताकि ये सेंटर में दिखे हमें कुछ इस तरीके से। और हम इसकी क्या करेंगे, पैडिंग बेसिकली कम कर देंगे। ओके, ठीक है। तो मैं इसकी पैडिंग की जगह बेसिकली हाइट दे देते हैं हम, है ना। तो हम हाइट दे देंगे कुछ 40 पिक्सल और मार्जिन ऑटो कर देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम कर देंगे 300 पिक्सल। ये देखिए अब बराबर हमारे पास 300 पिक्सल विड्थ आ चुकी है। और इसको हमको स्मूथ तरीके से करना है बस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने पोजीशन इसे एब्सोल्यूट दी है ताकि हमें इसके ऊपर दिखे। देन हमने इसको विड्थ दे दिए और हाइट दे दी है 60 पिक्सल की। मतलब ये जो हमने इस तरीके से जब मूवर कर रहे हैं तो उसकी विड्थ और हाइट दे दी है। देन हमने इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया है। और ट्रांजिशन ऑल की मदद से जो स्मूथ तरीके से आपको दिख रहा है ये हो पा रहा है। देन हमने डिस्प्ले फ्लैक्स किया है जिसमें हमने अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का यूज़ किया ताकि हम टेक्स्ट को सेंटर में दिखा सके और अलाइन बट मतलब वर्टिकली भी हम उसको सेंटर में दिखा सके। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर स्मूथ तरीके से हमारा जो ओवर इफेक्ट है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। देन ये सभी पर अप्लाई हो रहा है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास आता है अब शॉप वाला सेक्शन। तो इसमें हमें अब हमें इसे एक स्लाइडर क्रिएट करना है। तो हमारे पास है शॉप, तो हम यहाँ शॉप क्लास दे देंगे और इसमें हम दे देंगे बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे। और इसकी जो विड्थ होगी वो 900 पिक्सल होगी और हाइट जो होगी वो हम दे देंगे 320 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन दे देंगे हम यहाँ पर रिलेटिव और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। और इसे हम सेव कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर शॉप के अंदर हमारे पास सॉरी हमने शॉप लिख दिया, यहाँ पर हमें ट्रेंड्स लिखना है, सॉरी सॉरी ट्रेंड। और इसी तरीके से हमारे पास है ट्रेंड कार्ड। तो ट्रेंड कार्ड की जो विड्थ होगी, जो ट्रेंड कार्ड की विड्थ होगी वो 100% होगी, उसे 100% विड्थ मिलेगी। और हाइट अभी हम हाइट ही देंगे। और पोजीशन दे देंगे हम यहाँ पर एब्सोल्यूट, मार्जिन दे देंगे ऑटो, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट मार्जिन ऑटो दे दिया हमने। और ओवरफ्लो हिडन कर देंगे ताकि जो भी चीज़ें ओवरफ्लो हो वो हिडन हो जाए। यहाँ पर भी हम दे देंगे मार्जिन ऑटो और ओवरफ्लो हिडन। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम हिडन दे देंगे और इसको सेव करते हैं। देन आप देख सकते हो हमें कुछ इस तरीके से दिखना है। तो हमें इसके ऊपर अभी हम अप्लाई करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स कि ये हमें एक लाइन में दिखे और टेक्स्ट लाइन सेंटर सेंटर में आ जाए। देन हमारे पास जो ट्रेंड्स के अंदर हमारे पास जो इमेज है, उन इमेज की हम यहाँ पर विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल और यहाँ पर हाइट दे देंगे 300 पिक्सल। देन मार्जिन इनलाइन दे देंगे हम, मीन्स की जो इमेजेस है उनके बीच में मार्जिन दिखे कुछ 20 पिक्सल का। तो देखते हैं और आउटपुट पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। और हम क्या चाहते हैं कि जो इमेजेस है ये वर्टिकली भी सेंटर में दिखे। अभी ऊपर से आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ऊपर से टच है, तो बिल्कुल वर्टिकली भी सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स के यहाँ पर आपको करना है अलाइन आइटम सेंटर, इधर कर देंगे हम यहाँ पर अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करेंगे। और देख सकते हो अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर हमें
यहाँ पर भी करना पड़ेगा फ्लाई ऊपर आई थिंक अलाइन आइटम सेंटर, सेव करेंगे और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलाइन आइटम्स हो चुके हैं सेंटर में, ठीक है परफेक्टली आ चुका है। देन आप देख रहे हो कि जो हमारा यार हेड है, हेडिंग है ट्रेंड एड शॉपिंग कार्ट, इसे भी हमें देना है। तो इसे भी हम यार क्लास दे देते हैं हेड, इसे हम दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मतलब ये सेंटर में देखिए हमें, और इसकी पैडिंग होगी 88 पिक्सल। सेव कर लेंगे, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ चुका है, ठीक है ये। अब हमें क्या करना है, इसको स्मूथ तरीके से स्लाइड करना है, ये हमारा काम है। तो इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो हम यहीं पर अप्लाई कर देंगे, ओके। तो इसकी जो जावास्क्रिप्ट है हम यहीं पर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करेंगे उस ट्रेंड्स कार्ड को, तो लेट एक बना लेंगे हम ट्रेंड कार्ड एक वेरिएबल, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे, क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे। और हमारे पास जो क्लास का नेम, तो ट्रेंड कार्ड हमारे पास क्लास का नेम है उसका। तो देखिए हम क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितनी भी ट्रेंड कार्ड वाली क्लास होंगी, मतलब आप देख सकते हो अभी हमारे पास कितनी सारी क्लासेस है ट्रेंड कार्ड वाली, ये देखिए कितनी सारी, ये एक ट्रेंड क्लास है, ये एक ट्रेंड कार्ड क्लास है, ये तो जितनी भी ये ट्रेंड कार्ड वाली क्लास है उन सभी को ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल से टारगेट करेगा, इसका ये यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम दूसरी सिर्फ क्यूरी सिलेक्टर लिखते तो सिर्फ एक को ही टारगेट करता है, ये सभी को टारगेट करेगा। अब हम एक लेट काउंट वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम असाइन कर देंगे 0, ठीक है, जिसमें हमने असाइन कर दिया है 0। और अब यहाँ पर हम बेसिकली इस ट्रेंड कार्ड के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे और एक फंक्शन, इसके अंदर हम बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होगा, और यहाँ पर हम लिखे हैं कार्ड। तो अब जो ट्रेंड कार्ड के पास पावर था, मतलब जो ट्रेंड कार्ड के पास जो डेटा था वो अब कार्ड के पास भी आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर कॉल बैक दे दिया। देन इस कार्ड के ऊपर हम लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट में असाइन करेंगे और एक बैकटिक का यूज़ करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस। और इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक और पैरामीटर होगा जिसमें हम लिखेंगे इंडेक्स, ओके। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100%, मतलब जो भी उसका इंडेक्स होगा। अब जैसे ट्रेंड कार्ड के अंदर हमारे पास मान लीजिए 3 ट्रेंड कार्ड है, तो ट्रेंड कार्ड का 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स इस तरीके से होगा। तो जो भी इंडेक्स होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100% से, ठीक है। देन हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर माई फन नेम से, और उसके अंदर हम फिर से इस ट्रेंड कार्ड के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, और इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें हम बोल रहे हो करेंट कार्ड, और हमारे पास एक ट्रेंड कार्ड के ऊपर एक फॉर ईच लूप लगा रहे हैं, बेसिकली फॉर ईच लूप जिसमें हमारे पास हमने पैरामीटर दे दिए करंट कार्ड। अब ये करंट कार्ड है हमारे पास, इस करंट कार्ड के ऊपर हम लगाएंगे स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म, स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और असाइन यूज़ करेंगे हम। देन बैकटिक में लिखेंगे हम ट्रांसलेट, तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक स्टाइल बेसिकली CSS की प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम किसी चीज़ को रोटेट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, देन यहाँ पर हम दे देंगे पैरेंथेसिस माइनस डॉलर कर्ली ब्रेसेस। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारे पास काउंट है, ठीक है काउंट है, काउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी काउंट होगा, अभी काउंट कितना है 0, तो 0 मल्टीप्लाई होगा 100% से, और वो 0% स्लाइड होगा, फिर काउंट की वैल्यू 1 होगी, तो 100% टू 100% स्लाइड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमको ऑटोमेटिक चलाना है, तो हम सेट इंटरवल पर काम का यूज़ करेंगे। अब सेट इंटरवल का क्या काम होता है, बेसिकली कि सेट इंटरवल हमें रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता है, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम लिखना है, मींस कि आपको कितने सेकंड बाद इसको चलाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3000 मिलीसेकंड, मींस 3 सेकंड। सो इसका काम ये होता है कि रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे हमने इसको दे दिया अभी 3 सेकंड, तो जैसे ही 3 सेकंड होंगे, ये जो भी हम इसको
टास्क दे देंगे, आप कुछ भी टास्क दे दो, जैसे आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी लिख देंगे हेलो, तो जैसे ही 3 सेकेंड हुए वो आपको हेलो प्रिंट करेंगे, फिर जैसे ही 3 सेकेंड हुए फिर हेलो, फिर जैसे ही 3 सेकेंड फिर हेलो, तो ये जो काम है वो करता ही रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यार, ऑटोमेटिक स्लाइड हमारा चलता ही रहे, तो इसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा माई फन नेम का फंक्शन है उसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। बट एक बार हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे तो एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, फिर ये रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3 ही स्लाइड है। हम क्या चाहते हैं कि ये रिपीटेड चलता रहे, तो ये जो काउंट है इसको हम प्लस प्लस करेंगे। मींस क्या होगा, ये जो काउंट है अभी काउंट की वैल्यू तो 0 है, तो एक बार चलेगा फिर रुक जाएगा, तो जैसे ही कॉल हो तो काउंट की वैल्यू +1 हो, मतलब इंक्रीज होते रहे, ठीक है। और यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ कंडीशन में बोलेंगे इफ ट्रेंड कार्ड डॉट लेंथ। अब जैसे जो ट्रेंड कार्ड की जो लेंथ है, तो लेंथ कितनी यार इसकी 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 ही कार्ड से ना, तो 3 इसकी लेंथ है। और अगर वो इक्वल इक्वल हो जाता है काउंट के मुकाबले, मतलब अभी काउंट की वैल्यू क्या है 0, लेकिन काउंट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो बढ़ के अगर दोनों 3-3 हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, फिर से काउंट के अंदर असाइन कर दो 0, मतलब फिर से काउंट के अंदर असाइन हो जाएगा 0, तो फिर क्या होगा, फिर से हमारा जो स्लाइडर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेव करते हैं, और हम क्या चाहते हैं यार कि स्मूथ तरीके से दिखे, तो स्मूथ तरीके से आपको इसको दिखाने के लिए क्या करना है कि आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, ट्रांजिशन ऑल 1s ईजी, सेव करेंगे आउट पर जाएंगे। तो देखिए स्मूथ तरीके से हमारा ये जो कार्ड्स हैं स्लाइड हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, देखिए परफेक्टली ये हमारा काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। देन अब हमें ब्लॉक सेक्शन को क्रिएट करना है, तो हम आ जाते हैं ब्लॉक पर, इसको हम सबसे पहले सीएसएस दे देते हैं, तो हमारे पास होगा ब्लॉक, ब्लॉक को हम बेसिकली दे देंगे डिस्प्ले लेक्स और 65 कंटेंट सेंटर दे देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास होगा ब्लॉक कार्ड, ब्लॉक कार्ड की जो विड्थ होगी 300 पिक्सल, और इसका जो ब्लॉक कार्ड में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हम दे देंगे ब्लैक, ठीक है, और कलर वाइट, ओके। देन जो हमारे पास ब्लॉक कार्ड है, ब्लॉक के अंदर हमारे पास इमेज है, तो इमेज दे देंगे हम कुछ 100% या इमेज 100% हो जाए, और हाइट दे देंगे हम कुछ 300 पिक्सल, देखते हैं आउटपुट पर कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में देखिए हमें, और मार्जिन इन लाइन इस तरीके से देखिए आ चुका है परफेक्टली। देन अब हमें क्या करना है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पी टैग है बेसिकली, तो ब्लॉक कार्ड के अंदर हमारे पास जो पी टैग है उसके हम पैडिंग दे देंगे 11 पिक्सल की, तो यहाँ पर हमें लिखना है ब्लॉग इस तरीके से। देन हमारे पास ब्लॉग है, और ब्लॉग के अंदर हमारे पास एक एंकर टैग है, तो उसे हम दे देंगे यहाँ पर पोजिशन रिलेटिव मार्जिन टॉप से दे देंगे 11 पिक्सल, और टेक्स्ट डेकोरेशन दे देंगे नन, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पर पिंक तरीके से, पिंक और कलर वाइट होगा, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम पहले उसको पैडिंग दे देंगे, पैडिंग से हम दे देंगे इसको विड्थ और हाइट, तो 4 पिक्सल इसकी हाइट हो जाएगी और 20 पिक्सल इसकी विड्थ हो जाएगी इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर दे देंगे, सॉरी बैकग्राउंड बॉर्डर रेडियस दे देंगे 22 पिक्सल, सेव करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, और ये जो हमारा इसकी जो हमारे पास हाइट है बेसिकली, इसको हम हाइट दे देंगे 360 पिक्सल, ब्लॉक कार्ड को हाइट दे 390 पिक्सल, देखिए कुछ इस तरीके से आ चुका है मेरे पास, तो 380 पिक्सल दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और इसकी जो हम यहाँ पर
हाइट बढ़ा दी। तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। देन जैसे इस रीड मोर बटन पर आप क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि हम एक नई वेबसाइट पर रेंडर हो रहे हैं जहाँ से आप फैशन ब्लॉग रीड कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसे ही हमने इसको बैक करेंगे तो ये हम हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। देन अभी हमें फूटर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर फूटर को दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और इसे हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देंगे और कलर वाइट दे देंगे हम, ठीक है। और पैडिंग दे देंगे हम उसको 66 पिक्सल का और मार्जिन टॉप से 66 पिक्सल, ओके। देन हम क्या करेंगे कि हमारे पास फूटर के अंदर एक टेक्स्ट क्लास है, तो टेक्स्ट के अंदर जितने भी पी टैग्स उनको हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 11 पिक्सल। ये देखिए हमारे पास आ चुका है 11 पिक्सल। तो ये हमारा फूटर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। हमने इसको डिज़ाइन कंप्लीट दे दी है। देन हमें इसके ऊपर एक फंक्शनलिटी अप्लाई करना है। अब हमें तो जैसे हम इस शॉप पर क्लिक करें तो हमारे पास शॉप सेक्शन देन ट्रेंड्स पर ट्रेंड सेक्शन आ रहा हो, तो इसके लिए हम जाएंगे देखिए HTML फाइल पर, और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है एंकर टैग के अंदर, तो यहाँ पर आपको लिखना है जो शॉप के बाद हैश शॉप, क्योंकि हमने शॉप आईडी दी थी और इसी तरीके से हमने सबको एक आईडी भी दी थी, आप लोगों को पता होगा। तो आपको लिखना है, हम आईडी के लिए हैश लिखते हैं देन ट्रेंड देन आपको यहाँ लिखना है हैश ब्लॉग, इस तरीके से सेव कर लेंगे। आउटपुट पर जाएंगे, देखिए रिफ्रेश हो रहा है अभी, और देखिए हम शॉप पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास शॉप नाउ सेक्शन आ रहा है। ट्रेंड पर क्लिक कर रहे हैं ट्रेंड्स, देन ब्लॉग पर क्लिक कर रहे हैं तो ब्लॉग। तो कम्प्लीटली जो हमारा ये जो नेवबार की फंक्शनलिटी वो काम कर रही है। देन देखिए यार हमें जो यहाँ पर मेन फंक्शनलिटी पर काम करना है कि जैसे मैं इस कार्ड पर क्लिक करूँ तो उसकी मुझे डिटेल आ रही हो, तो वो हमें क्रिएट करना है। तो हम JS पर चलेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेट वेरिएबल ले लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे शॉप कार्ड, ओके। और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास का नेम शॉप कार्ड, इस तरीके से आई थिंक यही क्लास का नेम है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए शॉप कार्ड यही क्लास का नेम है, तो यहाँ पर भी हमने क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ किया है। और यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे हम कार्ड डिटेल ताकि आप लोग समझ पाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारे पास शॉप कार्ड है इसके ऊपर हम एक फॉरिच लूप लगा लेंगे, तो फॉरिच लूप की मदद से यार हम आइट्रेट कर पाएंगे। और यहाँ पर हम लिखेंगे शॉप, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन ले लिया। और अब इस शॉप पर हम जैसे ही क्लिक करें एड इवेंट लिसनर, देन जैसे हम इस पर क्लिक करें तो हमारे पास एक फंक्शन चलेगा फंक्शन, और फंक्शन चलेगा हमारे पास और इसको हम लॉक कर लेंगे शॉप। तो देखिए अब क्या होगा कि फॉरिच लूप की मदद से हमने आइट्रेट कर लिया, मीन्स हमने जिस पर हम क्लिक करेंगे हमें उसका डेटा मिलना चाहिए। तो हम इसको सेव कर लेते और इसको हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो हमें बहुत आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे बेसिकली कंसोल पर, इसको हम इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हम कंसोल पर इस तरीके से। और देखिए मैंने इस कार्ड पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये ड्यू आ चुका है और ड्यू के अंदर ये इमेज आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये ड्यू आ चुका है और इसके अंदर हमारे पास ये इमेज आ चुकी है। तो ये कम्प्लीटली मतलब हमें जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं पर्टिकुलर उसका डेटा दे रहा है, ये काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि यार ये हमें इसकी पूरी डिटेल दिखे, तो इसके लिए हमको एक लेट वेरिएबल बनाना है और एक ड्यू वेरिएबल होगा और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, हम एक एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं और एलिमेंट का नेम होगा ड्यू, मतलब जो टैग हम क्रिएट कर रहे हैं वो ड्यू होगा। और ड्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, मतलब हम एक उसके अंदर एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसका क्लास होगा बेसिकली डिटेल, कार्ड डिटेल एक क्लास हो जाएगी हमारे पास। और इस ड्यू के इनर HTML में हम क्या साइन करेंगे,
न्यू के इनर एचटीएमएल में हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास एक इमेज टैग होगा और कुछ टेक्स्ट होगा। तो हम इस एचटीएमएल को यहाँ लिखते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे यार हमें बहुत दिक्कत होती है एचटीएमएल लिखने में। तो एक तो हमारे पास इमेज टैग होगा, देन हमारे पास एक व्यू ले लेंगे, व्यू के अंदर हमारे पास होगा पी टैग में बेसिकली, जिस पर लिखेंगे बेस्ट एट शॉपिंग कार्ट, बेस्ट एट शॉपिंग कार्ट, और इसकी दे देंगे हम क्लास दे देंगे हेड इस तरीके से। और क्या होगा हमारे पास, देन हमारे पास एक बेसिकली हम यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देंगे, है ना। और यहाँ पर हमारे पास एक पी टैग होगा जिसमें लिखा होगा साइज, साइज लिखा होगा, है ना। और इनपुट होगा हमारे पास, इनपुट के अंदर हम यहाँ लिख देंगे नंबर, और इसके अंदर हमारे पास होगा प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम सिलेक्ट, सिलेक्ट इस तरीके से। देन हमारे पास एक पी आर टैग ले लेंगे, और इसी तरीके से अब हमारे पास क्या होगा, कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास होगा हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास साइज है और क्वांटिटी है, हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो हमें लिखना है क्वांटिटी इस तरीके से, क्वांटिटी का इसको प्लेस होल्डर यहाँ पर हटा देंगे। देन हमारे पास एक बटन होगा जिसमें लिखूंगा ऐड टू कार्ट, ठीक है इस तरीके से। तो इस पूरे टेक्स्ट को एचटीएमएल को कॉपी कर लेंगे और यहाँ से हटा देंगे, और जेएस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसे, और अब हम क्या चाहते हैं कि इमेज के अंदर हम जिस पर हमने कार्ड पर क्लिक किया उसी की इमेज देखें। तो देखिए शॉप के अंदर सब कुछ आ रहा है डेटा हमारे पास, शॉप के अंदर हमारे पास सब कुछ डेटा आ रहा है, तो इस डबल कोट को हटा देंगे एंड डॉलर कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, और आपको यहाँ पर लिखना है शॉप डॉट, लिखना है आपको फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो पहला एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, हमारा इमेज टैग, और इमेज टैग का जो भी सोर्स हो वो याले इमेज टैग के सोर्स में असाइन हो जाएगा। तो हमें इमेज दिख रही होगी और ये टेक्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है। देन अब हम क्या चाहते हैं कि ये हमें कहाँ दिखे, तो ये हमें दिखे यार पूरे बॉडी पर दिखे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और हम बॉडी टैग को टारगेट करेंगे, और बॉडी के अंदर इस बॉडी टैग के अंदर हम अपेंड कर देंगे चाइल्ड, कौन से चाइल्ड को अपेंड करेंगे, इस ड्यू चाइल्ड को अपेंड कर देंगे इस तरीके से। सेव कर लेते हैं, आउटपुट पर देखेंगे कि हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। तो वो देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैंने देखे जैसे इस पर मैंने इस इमेज पर मैंने क्लिक किया देखे, और देखिए हमें लास्ट में हमारे पास इमेज और ये पूरा जो टेक्स्ट है आ चुका है, ठीक है। तो परफेक्टली जो हमारे पास टेक्स्ट इमेज जिस पर हमने क्लिक किया पर्टिकुलर वही डेटा आ रहा है, ठीक है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, और इसको हमें अच्छा भी सीएसएस दे देंगे ताकि थोड़ी ब्यूटीफुल दिखे। तो कार्ड डिटेल है हमारे पास, तो सबसे पहले तो यार कार्ड डिटेल को आपको पोजिशन फिक्स्ड बनानी पड़ेगी, मतलब एक ही पोजिशन पर रहिए, और इसको हम लेफ्ट से दे देंगे 50%, और राइट से दे देंगे 50%। यार इसको हम इसलिए दे रहे हैं क्या कि हम इसको सेंटर में बना सके, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म लिखेंगे हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और 40% इस तरीके से, ठीक है। ये हो चुका है हमारे पास। देन जो हमारा पूरा कार्ड डिटेल है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम वाइट कर देंगे, पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पर 22 पिक्सल की, और देखते हैं हम आउटपुट पर किस तरीके से दिख रहे हैं हमें। तो रिफ्रेश हो जाएगा एक बार, देखिए शॉप पर जाएंगे, मैंने इस कार्ड पर मैंने क्लिक किया, और देखिए हमारे पास अभी हमें लास्ट में ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि आई थिंक कार्ड डिटेल, तो हमारी क्लास जो है वो चेक करना पड़ेगी हमें। तो डॉट कार्ड डिटेल, यहाँ से हमें डॉट हटा देना है, यहाँ पर हमें डॉट की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब ये खुद ही रिफ्रेश हो रहा है, शॉप पर जाएंगे, इस कार्ड पर मैंने क्लिक किया, और अभी हमें नहीं डेटा मिल रहा है,
तो हम इसको पोजीशन फिक्स्ड दिया है, पोजीशन फिक्स्ड दिया है लेफ्ट से राइट से और टॉप से देंगे हम इसको 5%। ठीक है, ये देखिए ये हमें यहाँ पर दिख रहा है डेटा। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इमेज दिख रही है और ये जो कार्ड डिटेल है इसको हमको विड्थ भी देना पड़ेगा, तो विड्थ दे देंगे हम कुछ 700 पिक्सल और हाइट दे देंगे हम 500 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम वाइट। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारे पास आ चुका है और इसको हम दे देंगे कार्ड डिटेल को डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि यार जो टेक्स्ट है और वो एक लाइन में दिखे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड दे देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो कार्ड डिटेल है, कार्ड डिटेल के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे हम कुछ 300 पिक्सल। ये देखिए इमेज आ चुकी है, उसको हम इमेज को दे देंगे 200 पिक्सल और हाइट दे देंगे 200 पिक्सल। देखिए कुछ इस तरीके से। तो और इसकी जो हमारे पास विड्थ हाइट हमने 300 पिक्सल कर दिए, इस तरीके से 300 पिक्सल आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देन ये हमारे पास आ रहा है डेटा और इसको हम कर देंगे अलाइन आइटम सेंटर, तो दोनों ही अलाइन आइटम सेंटर दिखे वर्टिकली भी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हमने यहाँ पर इसको टॉप से भी दिया है 5%, इसको मैं टॉप से 1% कर दे रहा हूँ, देखिए है ना, और हम इसको माइनस कर देंगे 11% ताकि ऊपर दिखे यार हमें। ठीक है, 21% इस तरीके से ऊपर दिखे हमें और परफेक्टली हमें ऊपर दिख रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर शॉपिंग कार्ड आ चुका है और हम जीएस पर जाएंगे और ये जो हमने यार क्लास दी थी इसको हम हेड्स कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यार, इसको थोड़ी बेसिकली सीएसएस देना है हमें और हमें यहाँ पर एक क्लोज आइकन भी चाहिए। ठीक है, ताकि हम इसको क्लोज भी कर सके, क्रॉस का आइकन हमें चाहिए यहाँ पर, तो इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स मार्क लिखेंगे और हमारे पास जो क्लोज का देखिए आइकन है क्रॉस का, इसको अपन कॉपी कर लेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए रिफ्रेश हो रहा है, हम क्लिक कर रहे हैं और हमारे पास ये आ रहा है आइकन, तो सबसे पहले हम आइकन को सेट कर देंगे। तो हमारे पास कार्ड डिटेल में जो आई है उसको हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट दे देंगे और हम दे देंगे इसको राइट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल और हम इसको दे देंगे पैडिंग दे देंगे हम इसको 11 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको चॉकलेट देना है हमें। ठीक है, और कलर वाइट और इसके हम फॉन्ट साइज दे देंगे कुछ 20 पिक्सल। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुका ही है। ठीक है, कर्सर पॉइंटर इस तरीके से है ना, तो ये हमारे पास परफेक्टली आ चुका है और हमने जो यहाँ पर दीदा था बेसिकली अलाइन आइटम सेंटर, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। देखिए हमारे पास आ चुका है ऊपर ही है, इसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप से इस तरीके से, सॉरी। ठीक है, देन अब हमें क्या करना है, इसको हम अलाइन आइटम दे देते हैं जो हमारे पास टेक्स्ट है इसके अंदर, जैसे इनपुट देना है तो कार्ड डिटेल के अंदर जो इनपुट है उसकी जो विड्थ होगी तो 100% होगी और पैडिंग होगी 6 पिक्सल, फॉन्ट साइज होगी 20 पिक्सल इस तरीके से।
और जो कार्ड डिटेल में हमारे पास पी है मार्जिन टॉप से दे देंगे हम 11 पिक्सल। ठीक, देन हमारे पास कार्ड डिटेल में बटन है तो बटन की विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर 100%। बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रीन, कलर दे देंगे वाइट, मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल और यहाँ पे दे देंगे इस तरीके से। और बॉर्डर नन कर देंगे हम और हाइट दे देंगे 50 पिक्सल कुछ इस तरीके से। और फॉन्ट साइज दे देंगे हम 50 पिक्सल। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एक क्रिएट हो चुका है बिल्कुल परफेक्टली। देन हमारे पास जो कार्ड डिटेल के अंदर हमारे पास एक क्लास है हेड्स, तो उसको हम दे देंगे फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। देखिए ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम इस क्लोज बटन पर क्लिक करें तो ये पूरा क्लोज हो जाए। ठीक है, तो हम JS पर चले जाएंगे और हम क्या बोलेंगे कि जैसे हम क्लिक करें इस आइकन पे, तो इस आइकन को मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी दे दें आइकन, और हम बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दे देंगे हम आइकन, और आइकन पर हम लगा देंगे एड इवेंट लिसनर क्लिक। मीन्स जैसे हम उस आइकन पर क्लिक करें तो एक फंक्शन चले हमारे पास और क्या हो कि जो ड्यू है वो रिमूव हो जाए। तो हमारे पास क्या रिमूव करना चाहते हैं, ये ड्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो ड्यू डॉट रिमूव हमारे पास एक मेथड होती है जिससे हम उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट पर ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। देखिए सब कुछ रिफ्रेश हो चुका है, मैंने इस कार्ड पर क्लिक किया, हमारे पास इसकी कंप्लीट डिटेल आ चुकी है। हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, देखिए परफेक्टली रिमूव हो रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये फंक्शनलिटी हमारी सब पर अप्लाई हो रही है, आप लोग देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर पूरी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी आप लोग देख सकते हो अप्लाई कर दी है। देन अब हमें इसको वेबसाइट को हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो हम इंस्पेक्ट करेंगे और आप लोग देख सकते हो यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको हम इसको मीडिया क्वेरी अप्लाई करना है। तो CSS पर आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पर हम दे देंगे सॉरी। तो हमने यहाँ पर इसकी फॉन्ट साइज जो दी है, फॉन्ट साइज दे देंगे, फॉन्ट साइज है इसकी 25 पिक्सल। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं @media, यहाँ पर आपको लिखना है स्क्रीन, एंड यहाँ पर आपको लिखना है पैरेंथेसिस में मैक्स विड्थ। तो जो हम मैक्स विड्थ दे रहे हैं 1100 पिक्सल दे रहे हैं, तो हम जैसे ही 1100 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारा मेन है, मेन क्या हो जाए वो हो जाए मेन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से सेव करेंगे, आउटपुट पर आएंगे और देखिए ये टेक्स्ट लाइन सेंटर हो चुका है और हमारा सब कुछ सेंटर में आ चुका है। ठीक है, देन आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो कार्ड है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, कौन कौन से कार्ड रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो ये तो इसके अंदर हमें एक प्रॉपर्टी ऐड करना है हमें ब्लॉक के अंदर, तो ये हमारे पास है ब्लॉक का कार्ड। यहाँ पर हमें इसके यहाँ पर फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसी साइज छोटी होती है उसके हिसाब से कार्ड को एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए ये एडजस्ट हो रहा है, अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। देखिए ज़्यादा साइज छोटी करेंगे तो साइज के हिसाब से सिंगल हो चुका है। ठीक है, और इनको हम मार्जिन टॉप से दे देंगे कि इनके बीच में टॉप से भी गैप आ जाए। देखिए गैप आ गया टॉप से, तो ये हो गया हमारे पास। देन अब हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, इस स्लाइडर को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो देखिए यहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 30 पिक्सल, तो हम आ जाएंगे मीडिया क्वेरी पर
और हम दे देंगे इसको, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसको हटा देंगे हम, और यहाँ लिखेंगे हम बेसिकली 930 पिक्सल। मीन्स जैसे हम 930 पिक्सल के अंदर आए तो क्या हो कि जो हमारा जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड की जो विड्थ है, ट्रेंड की विड्थ 90% हो जाए, ठीक है। और जो ट्रेंड के अंदर इमेज है उनकी विड्थ भी इतनी हो जाए 90%। सेव करते हैं, देखिए जैसे ही हम 930 पिक्सल के अंदर आए तो ये देखिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इमेज की विड्थ का देना है 60%, 60% से भी हमें कम करना है, 30%, 20% करके देखते हैं। तो देखिए 20% ज़्यादा हो जाएगी, 30%, तो 30% इज़ फाइन, ठीक है। और इसकी साइज़ हम छोटी कर रहे हैं तो देखिए उसके हिसाब से ये एडजस्ट होना चाहिए। और इसके अंदर जो मार्जिन इनलाइन है उसे भी हम कम कर देंगे, तो मार्जिन इनलाइन जो गैप है बेसिकली इमेज के बीच में उसको हम 1 पिक्सल का कर देंगे। और जो यहाँ पर हमारे पास हमने बेसिकली जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड के अंदर हमें सेंटर देना होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, जो इमेज है वो सेंटर में दिखना चाहिए। तो डिस्टिक्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर देना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसकी साइज़ छोटी कर रहे हैं, तो देखिए परफेक्टली आ रहा है और साइज़ भी छोटी हो रही, ठीक है, परफेक्टली छोटी हुई साइज़, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, देखिए परफेक्टली हो रहा है। बट हमें जैसे हम 500 पिक्सल के अंदर आए तो इनकी कोई जो इमेज है, इमेज की साइज़ को कम करना होगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे और इसको हटा देंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे 500 पिक्सल के ऊपर, कि जैसे हम 500 पिक्सल के अंदर आए तो जो ट्रेंड है, तो ट्रेंड के अंदर जो इमेज है, जो ट्रेंड के अंदर इमेज है उसकी जो हाइट है, जो उसकी हाइट है वो हो जाए 250 पिक्सल हाइट हो जाए। तो जैसे हम 500 पिक्सल के अंदर आए तो देखिए कुछ इस तरीके से हाइट हो जाए, और उसकी जो विड्थ है, विड्थ भी 25% हो जाए, देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, और ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। और इसकी जो हाइट है हम और कम कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हो कि ये परफेक्टली रिस्पॉन्सिव है। हमने बहुत इसकी साइज़ ज़्यादा छोटी कर ली है तब भी ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव हमें दिख रहा है, और इसकी हम हाइट और कम कर दे रहे हैं तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। तो ये हमने इसे रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर दिया है। देन अब हमें क्या रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है, तो जो मेन है, जैसे हम मेन के अंदर आ रहे हैं देखिए, तो अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा 600 पिक्सल के अंदर, ओके। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे हम 700 पिक्सल के अंदर आए तो सबसे पहले हम नेओ को देख लेते हैं, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो जैसे हम 700 पिक्सल के अंदर आए तो जो हमारा यूएल है नेओ के अंदर वो डिस्प्ले नन हो जाए। तो देखिए यहाँ हम लगा देंगे 800 पिक्सल बेसिकली, तो देखिए ये नन हो चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो हमारे पास इमेज है, जो मेन के अंदर इमेज है, इमेज भी काफ़ी बड़ी है, तो उसकी विड्थ हम कर देंगे 90% बेसिकली 10% कम कर देंगे हम कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बट हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे 600 पिक्सल के अंदर, जो टेक्स्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो हमें एक मीडिया की लगाना पड़ेगी 600 पिक्सल पर, कि जैसे यार हम 600 पिक्सल के अंदर आए तो क्या हो कि जो मेन है, मेन के अंदर H1 है उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 33 पिक्सल हो जाए, और जो मेन के अंदर इमेज है, इमेज तो हमने दे ही दी, फिर से हम यहाँ पर दे देंगे उसको विड्थ 90%, ठीक है। तो देखिए उसकी जो इमेज है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है, और ये भी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो,
ठीक है, तो हमारे यहाँ देखिए कार्ड्स रिस्पॉन्सिव है पूरे, देन हमारा जो ऑटोमेटिक स्लाइडर है वो रिस्पॉन्सिव है, देन ये जो हमारे ब्लॉक सेक्शन है ये रिस्पॉन्सिव है, देन हमारे पास ये फूटर, फूटर को भी रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो आपको क्या करना है कि हमारे पास बेसिकली ये देखिए फूटर है, तो आप फूटर के अंदर यहाँ पर फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली रैप हो चुका है, जैसे ही उसको विड्थ मिली उस हिसाब से रैप हो चुका है। तो कम्प्लीटली आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर ली है। बट अब मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास इसकी जो डिटेल आ रही है, ये जो डिटेल आ रही है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है, हमें 800 पिक्सल तक तो ठीक है, बट यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हमको क्या करना है, तो हमने जो मीडिया क्वेरी दी थी 800 पिक्सल, तो इसके अंदर हम आएंगे, जैसे हम 800 पिक्सल के अंदर आए तो जो कार्ड डिटेल है वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए और ओवरफ्लो इसके अंदर हो जाए, ओवरफ्लो बेसिकली स्क्रॉल हो जाए और वो हो जाए वाई में। ठीक है, तो देखिए हम जैसे ही 800 पिक्सल के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने स्क्रॉल बार भी लगा दिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर स्क्रॉल बार भी लगा दिया है, आप लोग देख सकते हो, और हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ रही है। अगर मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर ना करूँ तो हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, टेक्स्ट हमारे पास सेंटर में आ चुकी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमें स्क्रॉल बार भी दिख रहा है। और हम क्या बोलते हैं, जैसे ही हम 800 पिक्सल के अंदर आए तो इसकी विड्थ कितनी हो जाए, इसकी विड्थ हो जाए 80%, मतलब 20% कम हो जाए। तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को छोटी करूँगा कुछ इस तरीके से, तो मींस जब हम मोबाइल में इसकी देख रहे होंगे इसको तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, हमें मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, और इसको हम यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, और इसकी हम कंप्लीट डिटेल देख पा रहे हैं, और हमें स्क्रॉल भी मिल रहे हैं। हमने ये स्क्रॉल कस्टम बनाया है CSS की हेल्प से, आप लोग देख सकते हो, और हम इसकी साइज़ को और छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो हमने कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर ली है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आऊँगा। और देखिए हमारी जो वेबसाइट है मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, आप लोग देख सकते हो। और आप चाहे तो इसकी जो विड्थ है, इमेज है, उसको भी कम कर सकते हो। तो जो कार्ड डिटेल के अंदर हमारे पास इमेज है उसकी हम विड्थ कर देंगे 90%, है ना, 90% कर देंगे। और तो देखिए अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इमेज की विड्थ 90% हो चुकी है, और रिस्पॉन्सिव और ब्यूटीफुल हमें ये लग रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। जैसे जैसे हम इसकी साइज़ छोटी कर रहे हैं हमको कि उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो और इसको हम मोबाइल व्यू में देखेंगे तो हमारी वेबसाइट मोबाइल के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, जिसमें हमें स्क्रॉल बार भी मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी, और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ वन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल।